डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल गोपाल नगर जालंधर में निशुल्क मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसकी शुरुआत दीप प्रज्वलित करके की गई। इस दौरान दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक एवं श्री देवीतला मंदिर प्रबंधक कमेटी के प्रधान शीतल विज, भाजपा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला, मेयर जगदीश राज राजा और वनवासी कल्याण आश्रम से अशोक गुप्ता मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। इनके अलावा महानगर कार्यवाह अश्विनी शर्मा, महानगर प्रचारक नवदीप कुमार व महानगर संघ चालक डॉक्टर सतीश शर्मा भी मौजूद रहे। कैंप का संचालन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल के जनरल सेक्रेटरी प्रवीण एंग्रिश की देखरेख में किया गया, जिसमें विशेषज्ञों द्वारा आंखों व दांतों की जांच बिल्कुल निशुल्क की गई। इसके अलावा कोविशील्ड का मुफ्त वैक्सीनेशन कैंप भी लगाया गया, जिसमें बढ़ चढ़कर लोगों ने वैक्सीन लगवाई। इस दौरान लोगों को वैक्सीनेशन करवाने के लिए जहां सराहा गया, वहीं दूसरों को वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक भी किया गया। जिक्र योग है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल के चेयरमैन कुलदीप भगत, प्रधान पवन मल्होत्रा, जनरल सेक्रेटरी प्रवीण एंग्रिश, उप प्रधान अरुण एंग्रिश, सुदर्शन मोंगिया और विनय गुप्ता ने तन मन धन से अस्पताल को निरंतर आगे बढ़ाने का कार्य किया है। समय समय पर अस्पताल द्वारा लगाए जा रहे इन निःशुल्क कैंपों के कारण गरीब लोगों को मेडिकल सुविधाएं मिलने में आसानी हो रही है। इस अवसर पर पटेल अस्पताल से MD मेडिसिन डॉक्टर विनोद कुमार व अश्विनी भंडारी ने भी उपस्थित होकर विशेष सहयोग दिया। इनके अलावा भाजपा जिला प्रधान सुशील शर्मा, पूर्व MLA KD भंडारी, भाजपा पंजाब उप प्रधान राकेश राठौर, रमन पब्बी, पूर्व मेयर सुरेश सहगल, पूर्व प्रधान जालंधर भाजपा रमेश शर्मा, विनोद शर्मा, अमित सांपला, रॉबिन सांपला, अरुण हांडा, अमरजीत सिंह अमरी, सुमेश लूथरा, डॉक्टर अमित सिंगला, अरुण बख्शी, राजीव गुंभर सहित अश्विनी कुमार भी मौजूद रहे। जालंधर से कैमरामैन सुदेश भगत के साथ खुशदीप सेठी की रिपोर्ट। आज के मुख्य अतिथि श्री शीतल बेद जी हैं। आप प्रसिद्ध मंदिर श्री देवी तला मंदिर के अध्यक्ष हैं। जालंधर के प्रसिद्ध अखबार दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक भी हैं। पंजाब ही नहीं, हरियाणा, हिमाचल, J&K एंड दिल्ली में दिल्ली के नागरिक भी प्रोत्साहित होते हैं। जो कुछ भी बिकता बेच दियो, पर मानवता की सेवा के लिए मौके घड़ी के अपना जरा योगदान जरूर पाइए। और आज जी मानवता बचेगी तो बाकी कुछ हो जाएगा, मानव बचेगी तो मानवता बचेगी। और इस करके उन्होंने अपना सारा उन्होंने प्रमुखता की थी कि प्रमुखता यह थी कि दीन दुखी की जी सेवा करे। और अभी तक कई बार प्रवचन सुनते जाने कि अभी यही कहने कि भी नर सेवा, नारायण सेवा, दलित दरिद्र की सेवा, नारायण सेवा। जब इस भावता दरिद्र की कहने कि जो बीमार दुखी और लोड़वंद की सेवा जी करना है वो रब की सेवा, और उस रब की सेवा के लिए सानू सारे जो मौका मिलता वे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हॉस्पिटल का बहुत बड़ा योगदान पिछले काफ़ी लंबे समय तो चल रहा है। क्योंकि हॉस्पिटल सेवा तो सारे करते देख रहे हैं, डॉक्टर तो असी भगवान का दूसरा रूप मानते हैं, ये कोई शक नहीं। पर जिथे तक असं अजक समाजिक जीवन च देखते हैं तो इलाज भी इन्ने महंगे हो गए कि आम आदमी की जी पहुँच तो कित दूर चले गए। और जो दूर चले जाए तो वो कोई छोटा जहा सहारा भी बहुत व्डा हो। और जिस तरीके अजक इलाज चल पे कि लंबे लंबे टेस्ट और ये वो करके वो हर एक की जेब जी वो आग्ञा नहीं दिंदी उन्होंने कि अपना इलाज भी सही तरीके से करे। दान करके अपनी उस सेवा इस करके कहते हैं, भावें सीधी की भाषा से कहिए कि वो अपना जीवन सफल करना चाहते हैं। इस जीवन तो बाद अगला अपना स्वर्गा के कितने ना कि अपना स्थान लभण के लिए मानवता की सेवा करनी है। तो सानू तो सेवा के नाल नाल तनखा भी मिलती है। इस करके रब न पाने का जोड़ा बहुत व्डा सौखा तरीका जोड़ा यही कि मानवता की सेवा करनी। और इतने भी जो मोगा जी दस रहे थे कि डॉक्टर साहब ने योगदान दिता और दसिया भी नहीं तो ना भी नहीं लेना, किन्ने दिते ये भी नहीं देना,
तो बहुत सारे लोग आज सेवा भावना काम कर रहे हैं और उन्होंने इच्छा शक्ति भी यही है कि अभी मानवता की सेवा करिए और उस सेवा के जड़ा ताकि उन्होंने जीवन मन संतोष हो सके मन एक सबक एक जी उन्होंने कह सकते हैं कि मन शांति मिलती है कि मैं एक अच्छा काम किया है और उस शांति के बहुत कुछ लभण की कोशिश कर अज व्याकुल जीवन जोड़े बहुत है अब सारे अपने आप को डिस्टर्ब ही है पर जो अभी कोई ऐसा काम करते हैं और मानवता को लैके काम करते तो मन में बहुत शांति मिलती है। कई डॉक्टर जी है कि हर तरह का इतने इलाज मिल रहा है चाहे अखन हो चाहे दंदा हो चाहे हाथ का कोई हर तरह इलाज मिल रहा है। मैं ज़्यादा ना कहें मैं इन्ना कहना चाहूँगा साड़ी कॉर्पोरेशन मेरे इंडिविजुअल श्यामा मुखी हॉस्पिटल वास्ते जो भी सहयोग मैं मुर्दे में त्यौहार गोपाल बुलाया मैं मेयर साहब इलेक्शन जीते हुए हैं सांबला जी की सिलेक्शन हुई है कैबिनेट रैंक के लिए एक इंटरव्यू हुई डी ए वी कॉलेज एक लड़की उतनी पढ़ी हुई सी ते उन्होंने पूछा भी आप फोटो लगी हुई है कि भी है वो फोटो सी स्वामी दयानंद सरस्वती की और कहीं स्वामी विवेकानंद की है लड़की उतनी पढ़ी हुई डी ए वी कॉलेज लेकिन उन्होंने पता स्वामी दयानंद सरस्वती जो गंगा स्नान लिए गए उत्थे एक औरत एक गठरी पड़ी हुई सी कभी अगे कर दे कभी खेत पिछे करता कभी अगे करता कभी खेत पिछे करता उन्हें दस्कार ही किया तो स्वामी जी पूछते भी की गल वो कहती इस गठरी के मेरे बच्चे की लाश बड़ी थी मैं चाहनी हाँ कि मैं जोर ना पता लवान तो बच्चे की लाश रुड़ जाए कपड़ा मेरे हाथ आ गया छोटे मुंडे की कमीज स्वामी वो कमरे जाके रज के हुए ये वैसे ही नहीं दिए जो इंस्टीट्यूशन इतना खड़िया हुई लेकिन वो बच्ची को पता नहीं सी कि स्वामी दयानंद कौन हूँ आप इतने आए हैं यहाँ नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हॉस्पिटल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 1901 होया 20 साल की उम्र उन्हों का विह होया एम ए की एल एल बी की इंग्लैंड चले गए बैरिस्टर बन के आए उन्होंने पिता जी हाई कोर्ट के जज से उन्हें 34 साल की उम्र से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाइस चांसलर बन गए से दुनिया के इतिहास के इदा का आया भी नहीं और फिर जो 1940 गांधी जी उनकी गलबात हुई उस उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान का रौला पै रहा मुस्लिम लीग वाले पा रहे तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने समझाया कहते कि जे हूँ तो लड़ाई होंगी है गडासियों जंगा ना फिर हम तोपा ना बंबा ना इस करके आप पाकिस्तान ना बना 1934-35 वो कांग्रेस की टिकट से बंगाल की विधान परिषद में चुने गए और त्यागे खोजे पद निर्वाणा जन नानक के खेल कठिन है कौ गुरमुख जाना सांबला जी ने जो सम्मानित कर रहे थे सांबला जी ने कहा मैनू सम्मान करने की लोड़ हैगी मैं तो स्वयं सेवक हाँ शीतल जी भी साढ़े संस्थक है राजा जी साढ़े गैस ने उन्होंने सम्मानित करना चाहिए संघ के पद के प्रचार की कभी भी नहीं रही लेकिन मैं दसना चाहना कि इस तरह के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हॉस्पिटल वर्गे लगभग 2 लाख प्रकल्प देश के अलग अलग क्षेत्र चल रहे हैं जो भी लोग आर्थिक या समाजिक दृष्टि न पिछड़े हुए हैं उनकी सेवा कर रहे हैं वो कितने भी कोई बचाव नहीं होंगे मुझे अच्छा लगा जो मेयर साहब ने कहा कि मैं पहली बार इतने आया मैं इतना चुपचाप सेवा का काम 1950 तो चल रहा है साढ़े शहर के प्रथम नागरिक जो 6 बजे कम से कम हॉस्पिटल में उन्होंने भी जरा तैयारी दिखी इन्ना चुपचाप प्रचार का काम कितने हुआ सेवा काम चल रहे हैं अज इतने आए हुए सारे जलंधर के प्रतिष्ठित नागरिक राजनीतिक क्षेत्र को आए लोग धार्मिक क्षेत्र को आए हुए लोग समाजिक क्षेत्र को आए लोग सारे का मैं बहुत बहुत ध्यान से धन्यवाद करता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हॉस्पिटल के अज
मैडिकल कैंप की जो शुरुआत की गई और बकायदा जी अज कोविड के लिए कोविडशील्ड जी है वैक्सीनेशन का भी कैंप लगाया जा रहा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हॉस्पिटल लंबे समय तो समाज की सेवा कर रहा और दीन दुखी और मरीजों की लोड़वंद लोगों मैडिकल सुविधावान जड़िया दे रहा और उन्होंने सेवा सेवा कर रहा है और अज वो सानू शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त होया। सो मन में चंगा भी लगता कि जो कि मानवता की सेवा दे कोई ऑर्गेनाइजेशन काम करती तो वो जाके अपना जो शमूलियत होने का सौभाग्य प्राप्त होंगे तो मन में खुशी होती है। सो अज इस कार्यक्रम चाहिए मन अच्छा लगा और मैं परमात्मा अगर बेनती कराँगा कि इन्होंने होर शक्ति दे कि समाज की सेवा करते हुए मानवता मानव में जीवित रखेंगे तो मानवता जीवित रखेंगे उस भावना काम करते हुए अगे वधन। सो इन शब्दों में मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पूरी प्रबंधक टीम का मैं धन्यवाद। माननीय शीतल बीर जी के यहाँ हॉस्पिटल आने पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हॉस्पिटल इनका हार्दिक स्वागत करता है और इनका हमारे हॉस्पिटल के लिए भरपूर सहयोग है। आज का जो मेडिकल कैंप है उसका उद्घाटन भी इन्हीं के कर कमलों से हो रहा है। मैं अरुण एंग्रिश उप प्रधान डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हॉस्पिटल दसना चाहना हाँ कि आज साढ़े हॉस्पिटल के पंचकर्मा फिजियोथेरेपी आयुर्वैदिक तो अलावा एलोपैथी के तिने विंग जिन्हां विच दंदा दा इलाज अखां दा इलाज अते इस्त्री रोगां दा इलाज 10 बजे तो लैके 1 बजे तक बिल्कुल निशुल्क किया जा रहा है। इस दे नाल ही कोविडशील्ड का कैंप भी फ्री लगाया जा रहा है जिहड़ा कि 2 बजे तक चलेगा अते लगभग 200 डोज लोगों नूं लगाई जाएगी। मैं इस समागम विच आए हुए सारे मेहमानों का मुख अतिथि शीतल बेद जी का सांपला जी का अपने जगदीर राजा जी का और शोक गुप्ता जी का और अपने सरसंघ चालक सतीश जी का डॉक्टर सतीश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता कि उन्होंने साढ़े कार्यक्रम सफल बनाने बहुत बड़ा योगदान दिता।